नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पित्त की थैली गाल स्टोन की समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों में हमें आसपास के लोगों में देखने को मिलती है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पित्त की थैली की पथरी या गाल स्टोन की जो है बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, चैलिडोनियम मेजस मदर टिंचर जो है बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्पेशली गाल स्टोन के केसेस में ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। अक्सर देखा जाता है गाल स्टोन के केस में जो है आपके जो पेट है, पेट के जो है ऊपरी दाएं हिस्से में जो है यहाँ पे आपको जो है दर्द, बहुत ज़्यादा कटिंग पेन जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के केसेस में चैलिडोनियम मेजस मदर टिंचर बहुत ही बेहतरीन असर करता है। इसे जो है 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम एक कप पानी में लिया जाता है। इसके अलावा चैलिडोनियम मेजस होम्योपैथिक मेडिसिन पोटेंसीज में भी अवेलेबल होती है, जिसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस होम्योपैथिक मेडिसिन का लीवर पर बहुत ही बेहतरीन असर है और जो है ये कई अन्य समस्याएं जैसे कि भूख न लगना, पीलिया और बहुत सी सारी समस्याओं में चैलिडोनियम मेजस होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हमें खान पान में बरतनी होंगी ट्रीटमेंट के दौरान, लेकिन ये होम्योपैथिक मेडिसिन गाल स्टोन पथरी के केस में भी बहुत ही बढ़िया असर करती है। अगर आपको गाल स्टोन डायग्नोस हो गया है तो ये मेडिसिन जो है आप पर्सनली जो है अपने सेल्फ मेडिकेशन में ना लें, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के मार्गदर्शन में ये जो है ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर जो है कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे लोगों की जानकारी बढ़े और वो होम्योपैथी का लाभ ले सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।